अमेजिंग सा मटन करी, मटन देख के आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी वे में बनाएंगे, झटपट बन जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। फर्स्ट हम लोग ना मैरिनेशन करेंगे मटन का। अच्छे से हम लोग धो लिए हैं, मीडियम पीसेस में रखे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही दिया है भर के, 1 और 2, ठीक है। इसमें रख देंगे नमक, ठीक है, हल्दी 1/2 टीस्पून दे रही हूँ मैं अभी, धनिया पाउडर, ओके 1 टीस्पून दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ओके। अभी हम लोग इसमें देंगे लहसुन और गार्लिक का पेस्ट, ओके 1 टीस्पून दे रही हूँ अभी, एंड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देंगे मिर्ची का पाउडर, ठीक है। वो आपके स्वाद अनुसार दीजिए, क्योंकि तीखा ज़्यादा करने से फिर बच्चे खाएंगे तो उन लोग को तकलीफ हो सकता है। अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हैंड, ओके। हाफ एन आवर इसको रखने से अच्छा से मसाला अंदर जाएगा और हम लोग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। हम लोग आज मटन कढ़ाई में बनाने वाले हैं एंड विद हेल्प ऑफ आलू में देंगे इसमें, क्योंकि आलू नहीं होने से हम घर में मटन का टेस्ट अच्छा ही लगता है। हम लोगों को मटन में आलू बहुत अच्छा लगता है। इसको हम लोग अभी अच्छा से मिला लिए हैं, इसको हम लोग ढक के रख देते हैं फॉर 30 मिनट्स, ओके। इसमें हम लोग ने आलू फ्राई किए थे, आलू से बनाने वाले हैं, सो मैंने यहाँ पे आलू ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है। हल्दी और नमक से भी फ्राई कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमने फिर हल्दी से फ्राई किया है आलू को, ठीक है, बहुत टेस्टी लगता है आलू से मटन करी। तेल अभी हम लोग का गर्म हो गया है, उसमें हम लोग देंगे 1 तेज पत्ते को मैंने हाफ कर दिया तोड़ दिया है, ओके। यहाँ पे हम लोग देंगे 1 टीस्पून जीरा, अच्छा जीरा टुकड़े, दालचीनी के क्लोव्स 2, लवंग होते हैं 4, एंड छोटा कार्डम जो ग्रीन कार्डमम होता है, ग्रीन इलायची, वो मैंने यहाँ पे 5 दिया है, और छोटे जावित्री के टुकड़े दे रही हूँ, एंड ब्लैक पेपर, ओके 10 to 12 मैंने ब्लैक पेपर दिया है, ओके। इसमें मैंने यहाँ पे चॉप 2 ऑनियन चॉप करके रखे हैं, वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। गरम मसाला हम लोग का अच्छा से फ्लेवर आने लगा है, यहाँ पे ऑनियन दे देंगे, इसको लाइट पिंक होने तक भून लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बनते बन जाते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। ऑनियन का कलर हमको चेंज हो गया है, इसमें मैं 1 ऑनियन और 3 ग्रीन चिली पेस्ट करके रखे हैं, वो यहाँ पे दे दूँगी मैं। मैं मसूर दाल से बना रही हूँ, मसूर दाल से मटन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने मसूर दाल से मटन बनाते हैं। अच्छे से इसको लो टू मीडियम हीट में भून लेते हैं, 1 टीस्पून, ठीक है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट दूंगी, क्योंकि हम लोग मैरिनेशन भी दिए थे, ओके। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून दी हूँ और 1/2 टीस्पून दे रही हूँ बस। जिंजर का यहाँ पे रेशियो कम है और गार्लिक ज़्यादा है, मैंने यहाँ पे बड़े साइज के गार्लिक और 1 इंच और 1.5 इंच के मैंने यहाँ पे जिंजर लिए थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी हम लोग इसको अच्छे से इसको भून लेते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सॉल्ट भी दे देंगे, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा यहाँ पे पानी देके भून लेंगे। 3 मिनट्स तक मैंने मसाला को भून लिया है, उसी में थोड़ा मीडियम साइज के टमाटो चॉप करके दे रही हूँ, इसको हम लोग इसके साथ कुक कर लेते हैं, कुकिंग के लिए रखते हैं टमाटो पक जाए।
टमेटोज हम लोग का गल किया है। अभी हम लोग यहाँ पे ड्राई स्पाइसेस देंगे, ओके, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टीस्पून, ओके, 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टीस्पून, ठीक है, एंड 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं जीरा पाउडर दूंगी एंड रेड मिर्च पाउडर। वो थोड़ा आपको आपका टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको चाहिए तीखा, ठीक है। अच्छे से हम लोग इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाला हम लोग अच्छा से कुक हो गया है। अभी जो मैरिनेट किया है मटन हम लोग को फ्लेवर हो गया है, वो हम लोग इसमें डाल देते हैं, अच्छे से कुक कर लेंगे, ओके। मैरिनेटेड मटन है वो हम लोग इसमें डाल देंगे। अभी मटन अच्छे से हम लोग मसाला में कुक कर लेंगे। मैं आज कढ़ाई में बनाऊंगी इसलिए थोड़ा टाइम लगता है कढ़ाई में, बट टेस्ट यू नो अमेजिंग एकदम कढ़ाई में, थोड़ा पेशेंस के साथ कढ़ाई में बनाने से बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, ओके। पहले मसाला में कुक कर लेते हैं। मिनिमम यहाँ पे हम लोग कुक करेंगे अभी 5 to 7 मिनट्स। 7 मिनट्स हो गया, देखिए कितना पानी रिलीज हुआ है। इसी में हम लोग कुक करते रहेंगे, पूरा पानी जब ड्राई हो जाएगा, ठीक है, फिर हम लोग इसमें गर्म पानी देंगे, नॉट नॉर्मल पानी, गर्म पानी देंगे, तो मटन जल्दी कुक हो जाएगा, यह मसाला का टेस्ट बरकरार रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग ने 20 मिनट्स कुक कर लिए हैं, ओके। पानी भी हम लोग का सूख गया है, देखिए अभी हम लोग इसमें गर्म पानी देंगे और अच्छे से कुक कर लेंगे, और ताकि मटन अभी अच्छे से टेंडर हो जाए, ओके। हम लोग यहाँ पे गर्म पानी डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा अभी गर्म मसाला डालेंगे बाद में, और थोड़ा सा डालेंगे 1/2 टीस्पून में अभी डाल रही हूँ। लो टू मीडियम में अच्छे से इसको भी कुक करने के लिए रखेंगे। देखिए हम लोग का अभी मटन 1/2 बॉयल हो गया है, तो हम लोग इस स्टेज में ना आलू डाल देंगे, तो आलू भी बॉयल हो जाएगा इसके साथ साथ, नोटेड। देखिए हम लोग का मटन यहाँ पे 1/2 बॉयल हो गया है, ओके, तो हम लोग इस स्टेज में आलू भी यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो अच्छे से इसमें बॉयल हो जाएगा। अच्छे से हम लोग इसमें डिप कर देते हैं, ओके। एंड नाउ अगेन आफ्टर 20 मिनट्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग को आलू मटन सब अच्छे से कुक होना चाहिए, ओके। हम लोग इसमें मैंने यहाँ पे 15 मैंने काजू ले लिए थे, अच्छे से वार्म वाटर में भिगो के रखे थे, उसको मैंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, तो मैं वो यहाँ पे डाल दूंगी। बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आता है एंड क्रीमी सा टेस्ट आता है, दस सीधे कलर। अभी हम लोग इसको और कुक होने देते हैं, जब तक हम लोग का आलू बॉयल हो जाता है अच्छे से, ठीक है, टेंडर हो जाता है, मटन का पीसेस भी सॉफ्ट हो जाता है, तब तक हम लोग इसको कुक करते हैं। मटन करी हम लोग का रेडी हो गया है, बहुत टेंडर हो गया है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया हम लोग को, आलू भी हम लोग का बॉयल हो गया, देखिए गोइंग इनसाइड, इसंट इट। सो मटन करी इज रेडी। अब फिर हम लोग यहाँ से गर्म मसाला दे देते हैं, आप सॉल्ट टेस्ट कर लीजिएगा, ओके। मैं तो यहाँ पे सॉल्ट भी दूंगी, सॉल्ट इज लिटिल बिट लो। सो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई करिए अमेजिंग सा मटन करी, ओके, रेडी टू सर्व। मैंने यहाँ पे स्टीम राइस बनाया है, तो विल हैव विद स्टीम राइस, आप लोग रोटी चपाती स्टीम राइस सबसे आप इसको अमेजिंग सर मटन करी को खा सकते हो। ग्रेवी आपके ऊपर कैसा चाहिए, बिकॉज स्टीम राइस बनाया है इसलिए मैंने ग्रेवी रखा है, ओके। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द रेसिपी, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी, टिल देन गुड बाय।